थक गया मैं आज तो। हाँ रिदा, खाने में क्या बनाया आज? हद होती है जैजी, एक तो इतना लेट घर आयो और आते के साथ ही खाने में क्या है? बीवी बच्चे का कोई ख्याल है तुम्हें कि नहीं? अरे सॉरी, आज ऑफिस में बहुत काम था। काम काम और काम, ऑफिस में ही रह जाते ना, घर आने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया, आज इतने गुस्से में क्यों हो तुम? जैसी 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, तुम आज तक मुझे कहाँ घुमाने लेकर गए हो? हैं? लास्ट वीकेंड हम गए तो थे वो नया रेस्टोरेंट में जो फैंसी से खुला है, वो भूल गई तुम? मैं बाहर जाने की बात कर रही हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्री। रिदा, साल के स्टार्ट में मैंने लीव्स ले ली थी जब मैं टर्की गया था जमील को ढूंढने। अब ऑफिस मुझे लीव नहीं देगा भाई, क्या हो गया? खुद तो घूम आए ना टर्की तुम। ओ भाई, मैं घूमने नहीं गया था, मैं तुम्हारा जेवर ढूंढने गया था जो तुम्हारे कजिन से मिला। जो भी है, घूमने तो चले गए ना तुम टर्की अकेले। मेरी दोस्तों को देखो, उनके हस्बैंड रोज उन्हें कहीं ना कहीं घुमाने लेके जा रहे होते हैं। सारा याद है तुम्हें? सारा 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 कौन सारा? वो यूनिवर्सिटी वाली सारा। अरे हाँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। हाँ, तुम्हें अपनी बीवी के अलावा तो सारी लड़कियां याद है ना। खैर, सारा का हस्बैंड ना उसे पिछले ही महीने टर्की घुमा कर लेकर आया, और अब अगले हफ्ते ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता है तुम्हें? कहाँ? लालू खेत। वेरी फनी, मालदीव जा रहे हैं ये लोग। तुम्हें सब चीजें पता कहाँ चलती हैं? इंस्टाग्राम यूज करना आता है मुझे, मैं फॉलो कर रही हूँ उसको। अरे तो उनकी अभी शादी हुई है, वो तो घूमेंगे ना, एक साल बाद देखना क्या हाल होगा उनका। रहने दो जैसी, तुमसे तो बात करना ही फजूल है। खाने में दाल चावल पका है, खा लेना तुम। अरे रिदा, अरे ऐसे गुस्से होके चली गई। अरे हाँ, 2 दिन पहले हम लोग पार्क भी तो गए थे, वो भूल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, घर आ गई तुम? हाँ यार, अभी आई हूँ घर, बहुत हेक्टिक हो रहा है यार मेरे लिए 9 to 5 जॉब, छोड़ दूंगी कुछ अरसे में मैं। हाँ, अगर तुम्हें इतना परेशानी हो रही है तो मेरे अंदाजन छोड़ दो तुम ये जॉब, क्योंकि तुम परेशान होती हो तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। बस ये कुछ अरसा निकल जाए फिर देखती हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, मैंने एक बहुत जरूरी बात के लिए फोन किया है तुम्हें। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। तुम फिर से मामू या चाचू बनने वाले हो? मैं मामू या चाचू नहीं बनना इस मर्तबा, इस दफा तो मैं दुल्हा बनूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया समी, तुम मुझे छोड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं। और उन सब वादों का क्या जो तुमने मुझसे किए थे? अरे सुनो तो, बात तो पूरी सुनती नहीं हो, ऐसे ही शोर मचाना शुरू कर देती हो। मेरे अम्मी अब्बू आ रहे हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, तो मिलवाओगे अम्मा अब्बा से? अरे इस मर्तबा सिर्फ मिलवाऊंगा नहीं, बात भी पक्की करूंगा। मैं अम्मी अब्बू को लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। वाकई में? मतलब हमारी शादी होगी? हाँ, बस तैयारियां शुरू कर दो। हाँ यार, मैंने सब प्लान करके रखा है, कहाँ से जोड़ा बनाना है, कहाँ से मेकअप कराऊंगी, और मैं अपनी सारी दोस्तों का भी बताती हूँ। बस तुम तैयारियां शुरू कर दो, दुआ करो कि पेरेंट्स जब मिले तो सब कुछ खैरियत से हो जाए। हाँ यार, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। चलो बस अब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि अम्मी अब्बू बस पहुँचने वाले होंगे, तो फिर बाद में बात होती है। ठीक है, चलो सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। यार रिदा, अब तक नाराज होगी क्या? कॉल करूं या नहीं? कॉल करना ही पड़ेगा, मेरी बीवी है, मनाना तो मुझे ही पड़ेगा। चलो कर लेता हूँ कॉल। हाँ बोलो। हाँ कैसी हो? क्या काम है जैसी? नहीं नहीं कोई काम नहीं है, ऐसे ही फोन किया था मैंने। अच्छा अभी मैं ईसा का खाना बना रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे हाँ हाँ, खाने से याद आया, रात के खाने में क्या है? मेरा सर। मेरा सर? ये कौन सी डिश है भाई? हेलो रिदा, हेलो। काट दिया, अभी तक नाराज है। समी क्या हुआ, तेरे अम्मा अब्बा आ गए? हाँ आ गए दोनों, उनको डायरेक्ट घर उतारा और बस डायरेक्ट आया हूँ। अच्छा ये बताओ, वो शादी का क्या सीन है, कब शादी कर रहा है? यार यही बताना था कि अम्मा अब्बा आ गए ना, तो अब अम्मा अब्बा को लेके फातिमा के घर जा रहा हूँ। कल एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग रखी है, तो बस कल ही इंशाल्लाह दुआ करो कि बात बात पक्की हो जाए, तो बस। यार वैसे अगर मेरी मानना तो शादी नहीं कर, अभी तेरी उम्र ही क्या है यार, और फिर जिम्मेदारी इतनी सारी आ जाती है। अबे भाई तेरी शादी नहीं हो रही तो मेरा क्यों पत्ता काट रहे हैं, बस दुआ कर कल बात पक्की हो जाए, तो झट मंगनी पट ब्याह। इसका मतलब है तुम दोनों ही शादीशुदा हो जाओगे? एक तो इसको ही देख ले, शादी के बाद नजर ही नहीं आता है, तू भी नजर नहीं आएगा, मैं अकेला यहाँ बैठा हुआ। अबे तो सारी जिंदगी दोस्तों में थोड़ी बैठे रहना है, शादी बीवी बच्चे करियर और भी काम है जिंदगी में, क्यों जैसी? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जैसी तेरा क्यों इतना मुंह चढ़ा हुआ है? अबे कल से रिदा नाराज है मुझसे। ये देख यही तेरे साथ होगा शादी के बाद, हर दूसरे दिन फटे। अबे तू चुप कर, कोई बात नहीं जैसी यार, हो जाता है, मैं और फातिमा को देख ले हर वक्त लड़ते रहते हैं, और शादी के बाद तो पता नहीं क्या होगा। कम से कम ये तो सुकून है कि अपनी जानने वाली चाहने वाली बंदी से शादी हो रही है। एटलीस्ट ये तो है ना।
अच्छा ये जैजी ये एनवलप किस चीज का रखा हुआ तूने इतनी देर से? अरे ये तो दुबई की टिकट्स हैं, मैं रिदा और ईसा दुबई जा रहे हैं। तू दुबई जा रहा है? हाँ ना यार, पिछले हफ्ते से रिदा बहुत स्ट्रेस आउट है, घर का काम, फिर ईसा, ऊपर से मैं भी नहीं होता, तो मैंने सोचा छोटा सा फैमिली गेटअवे कर लेता हूँ, सबका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। वैसे तू कब जा रहा है और वापस कब आएगा? मैं कल रात को निकल रहा हूँ और अगले हफ्ते तक वापस आ जाऊँगा। अगले हफ्ते? यार अगले हफ्ते हो सकता है मेरा निकाह हो। अरे तो उससे पहले वापस आ जाऊंगा ना यार। देख ले, अगर वापस नहीं आया ना फिर दोस्ती वोस्ती सब खत्म। एक तो तू इतना इमोशनल ब्लैकमेल करता है, मैं कह तो रहा हूँ ना मैं आ जाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? अच्छा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। यार मैं अब निकलता हूँ, इससे पहले कि अम्मा अब्बा सो जाएं, उनको जाके सारी बातें समझानी है और फिर फातिमा को भी बताना है, ठीक है? चाय के पैसे देख लेना। बहुत टेंशन में आजकल ये। अरे भैया अजाब है। ओहो लगता है ठुक गई। चलो कोई बात नहीं, सॉरी यार। यार अंधे बंदे हो क्या? इतने बड़े चश्मे लगाए फिर भी नजर नहीं आ रहा है। यार कह रहा हूँ कोई बात नहीं, गलती हो गई। ओ भाई छोटी मोटी बात नहीं है, देखो इतना बड़ा डेंट लग गया है। तमीज से बात करो, हो जाता है कभी रोड पर गाड़ी लेके निकलते हैं, छोटी मोटी टक्कर हो जाती है। अबे तमीज के चक्कर में गाड़ी लग गई है भाई, डेंट पड़ गया, देखो। यार ये अबे तबे क्यों कर रहे हो? बोलना, हो जाता है, गलती हो गई, सॉरी। बैठो जाओ। ओ भाई हो तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से पैसे निकाल जल्दी से। चल मैं पैसे दे भी देता लेकिन अब तुम्हारी स्टोन की वजह से ना, अब तो तुम पैसे निकलवा लो। चलो अबे ओ चाचा बात सुनो, ये जो तुमने ना तोड़े इसके पैसे निकालो जल्दी। तमीज से बात करो यार, ये कौन है? अरे छोड़ो, अरे बैठो यार अंकल। बदतमीज आदमी यार, ये खत्म करो यार। क्या पट्टे कर रहा है यार, पागल हो गया क्या? यार मैं देख के रिवर्स कर रहा था, आगे पीछे सब जगह चाचा स्पीड में आके घुस गए। समी वो उम्र में तुमसे बड़े थे तो थोड़ा रिस्पेक्ट यार। यार मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, चाचा कहने लगे आजकल के लौंडे हो, ये वो, हट गई मेरी। और वैसे भी तेरा ये वाला जो डेंट है ये पुराना है? पुराना नहीं है, मैंने सही करा लिया था, अभी मारा है चाचा ने। अच्छा छोड़ो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अभी घर जाओ। चलो इसका गुस्सा एक दिन इसको मरवाएगा। रिदा, रिदा नाश्ते का पूछना है ना, अंडा पराठा बनाया मैंने। अरे नाश्ते को छोड़ो, ये देखो लिफाफे में क्या है। क्या? दुबई की टिकट्स। वाकई दुबई? हाँ हाँ, आज रात फ्राइडे, खोल के तो देखो। तुम सीरियस हो? हाँ ना, यकीन क्यों नहीं आ रहा, खोल के तो देखो। अरे थैंक यू जैजी, एंड आई एम सो सॉरी, मैं पिछले दो दिन से काफी रूड बिहेव कर रही थी ना। अरे कोई नहीं, होता है होता है। एंड एक और एक्साइटिंग न्यूज, समी का निकाह होने वाला है। वाकई? कब है? आई थिंक नेक्स्ट वीक। ओह इतनी जल्दी, तब तक हम वापस आ जाएंगे? हाँ आ तो जाएंगे, बट आते ही साथ ही समी की शादी में मसरूफ हो जाएंगे, तो पूरा महीना बिजी रहेगा। हाँ सही कह रहे हो, मुझे वापस आके शॉपिंग भी करनी होगी। अरे हाँ हाँ शॉपिंग हो जाएगी, फिलहाल तुम दुबई की तैयारी करो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ मैं, सही है? ओके हम दुबई जा रहे हैं। मुझे शाम में आएंगे फातिमा के घर वाले, तुम लोग नहीं जाने वाले थे उसके पास? चेंज ऑफ प्लान्स, अब वो आ रहे हैं हमारे घर। तेरी तो लव मैरिज है ना, और दोनों साइड से भी डन है, तो फिर किस चीज की टेंशन? लव मैरिज है तभी तो टेंशन है, अरेंज होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता। और तू अपना टाइम भूल गया, जब तेरा रिश्ता पक्का होने वाला था तो 3 दिन तक तू बीमार पड़ा रहा था स्ट्रेस की वजह से। हाँ हाँ मान लिया मैंने स्ट्रेस लिया था, बट एंड में रिश्ता भी हो गया और शादी भी हो गई, अब लाइफ सेट है, तो फिर किस चीज की टेंशन ले रहे हो तुम? कह तो तू ठीक ही रहा है, बट शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। और हाँ निकाह से पहले वापस आ जाना दुबई से, कोई बंड नहीं मार देना। अरे हाँ मेरे बाप, मैं आ जाऊंगा, पहले बात तो पक्की हो जाए, पतला निकाह ही नहीं हो रहा।
कर दी ना मनहूस बात। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलो अल्लाह हाफिज। बकवास बंद कर, अल्लाह हाफिज। बहुत टेंशन लेता है ये बंदा। हेलो। हाँ हाँ बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। रिदा जल्दी करो, गाड़ी आ चुकी है, रास्ते में ट्रैफिक होगा, इमिग्रेशन लाइन पे भी रश होगा, जल्दी करो, टाइम नहीं है, हम लेट हो चुके हैं। क्या हो गया जैसी, तैयार भी ना हूं क्या? अरे एयरपोर्ट पे तैयार हो जाना, अभी चलो फिलहाल। कहाँ रह गए यार ये लोग, 5 बजे का बोला था, 6:45 हो रहे हैं। लगता है आ गए। यार तो बहुत थकन हो गई है, कल चलेंगे घूमने, सही है? हाँ सही कह रहे हो, फ्लाइट की थकन तो आप आराम करके ही जाएगी। ऐसा करते हैं अभी नैप ले लेते हैं छोटा सा, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं खाने के लिए। हाँ डन है। टाइम क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं। पाकिस्तान में तो 9 बज रहे होंगे ना। आज समय की बात पक्की होने वाली थी, बेचारा बहुत परेशान था, मैं तो कॉल करता हूँ। हाँ हाँ पूछो। आई होप एवरीथिंग वुड वेल। हेलो। हाँ समी कैसा है? तेरी काली जबान, तेरी वजह से हुआ है सब। तूने ही बोला था ना निकाह का, क्या पता मौका ही ना मिले, हो गया बंद। हैं क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना? आए थे फातिमा के घर वाले, मैंने दरवाजा खोला। तुम समी हो? कल आप ये नालायक, बदतमीज और बेहुदा पसंद है तुम्हारी। अब्बा क्या हुआ? चुप रहो तुम। और तुम, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ दिया था क्योंकि तुम 3 थे और मैं अकेला। आज तुम्हारा हिसाब पूरा कर दूंगा। पैसे चाहिए थे ना तुम्हें? आओ तुम्हें दूं पैसे। सुन लिया तूने? सालों उस दिन रोक नहीं सकते थे, खुद भी आ गए 2 साल के बच्चों की तरह लड़ने के लिए। समी तू मुझसे क्यों लड़ा है? जाओ फातिमा के अब्बा के पास और माफी मांगो उनसे। मैं क्यों माफी मांगू? अंकल ने गाड़ी मारी थी, उनकी गलती थी। समी तू कब बड़ा होगा, अपना ईगो साइड पे कर और जाके माफी मांग। फातिमा से शादी करनी है या नहीं? हाँ करनी तो है। तो बात क्यों कर रहे हो मुझसे, जाओ। ये तो है, इतना गुस्सा। समी साहब ने भंड मार दिया। अरे भंड नहीं मारता तो सीजन 4 कैसे बनता? अबे उस दिन जब समी कैफे से निकल रहा था, इतना बुरा फड्डा हुआ है तू अंकल के साथ, आज पता चला कि वो अंकल फातिमा के अब्बा थे। हैरत की बात है, समी फातिमा के अब्बा से कभी मिला ही नहीं। अरे समी को फातिमा के अलावा कोई और दिखता नहीं है, प्यार में इतना अंधा हो जाता है। मैंने कितनी दफा उससे बोला है कि फातिमा के पेरेंट्स से एक दफा मिल लो, मगर नहीं, मेरी सुननी नहीं है उसको, अजीब आदमी है। अरे यार ये तो बैड सीन हो गया। आई होप अब समी माफी मांग ले और उसके अब्बा माफ कर दे उसे। खैर मुझे तो प्यास लग रही है, ये मिनी बार में कुछ होगा? अरे नहीं नहीं मिनी बार से क्यों, करोड़ रुपए की चीजें होती है इसमें। तुम नीचे से ले आओ ना कुछ, मेरे लिए भी ले आना प्लीज। चलो मैं आता हूँ। क्या सोचा था और क्या हो गया यार? तुमने बिगाड़ा है, तुम्हें इसे करना पड़ेगा। हाँ हाँ बट कैसे, जैसे कह रहा था तुम्हारे अब्बा से माफी मांगूं। तो वो सही कह रहा है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। वैसे तुम पक्का उन्हीं की बेटी हो ना? क्या बकवास कर रहे। अरे मतलब कि वो कहाँ इतने गुस्से वाले, सड़ी हुई शक्ल, और तुम फजूल बातें नहीं करो समी, जो काम बोला उस पर ध्यान दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ना, दो अपने अब्बा का नंबर, कॉल करके सॉरी कहता हूँ मैं। वो कॉल से नहीं मानेंगे। तो फिर
समी बेटा, समी ये बताओ तुम मुझे कब तक यहाँ में नजर आते रहोगे? अंकल आप जब तक मुझे माफ नहीं कर देंगे। अच्छा, जितने तुम आज मासूम और अभी ये शरीफ बने हुए हो, उस दिन तो तुम इतनी आग बबूला हो रहे थे। वो अंकल कभी कभार गुस्से में ना मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, और मुझे क्या पता था आप फातिमा के अब्बा होंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं वो हरकत नहीं करता। अगर मैं फातिमा का अब्बा नहीं होता तब भी तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखो यार। जी अंकल, आइंदा कभी नहीं होगा, और उस दिन के लिए आई एम रियली सॉरी। देखो वैसे मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुमने फातिमा से शादी करने के लिए अपनी अकड़ और अपनी ईगो को साइड पर रखा और मुझसे माफ़ी मांगी। मैं तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर चुका था, बस देखने जा रहा था कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अब जाओ, घर जाओ, फ्रेश फ्रेश हो, और कल अपने वालदैन को हमारे घर ले आना, रिश्ते की बात कर लेंगे। ठीक है अंकल, मैं कल सुबह ही ले आऊँगा मैं अबू आपके यहाँ। ठीक है, हैं? नहीं सुबह नहीं, सुबह हम शरीफ लोग जॉब पे जाते हैं, शाम में लेके आना तरीके के टाइम पे। हाँ मैं कल रात में ले आऊँगा। ठीक है ठीक है। इधर तो नहीं जा रहा मैं। ओ समी, ये देख अब्बा दिखाता हूँ अपने, ये मेरे अब्बा, और रुक ये देख, ये हैं जैजी के अब्बा, और रुक तुझे अम्मी भी दिखाता हूँ, ये देख ये हैं मेरी अम्मी और ये जैजी की अम्मी। अबे मैं तुम दोनों के अम्मा अब्बा को अच्छे से जानता हूँ, तुम लोगों को बचपन से जानता हूँ मैं। देख मैं तुझे सिर्फ रिकॉल करवा रहा था, कहीं तू इनसे भी फड्डा करना ना शुरू हो जाए। अच्छा ये बताओ वो फातिमा के अब्बा का क्या हुआ, माने कि नहीं माने? बे भाई इतने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी होती ना मेरी जन्नत पक्की हो जाती, इतनी मिन्नतें की हैं। खैर अल्लाह का शुक्र अब मान गए, सब सॉर्टेड है। देख मैं इसी वजह से कहता हूँ कि शादी वादी के चक्कर में ना पड़ो, देख कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। पता है इस दरमियान कुछ टाइम के लिए मैंने भी सोचा था, बात तो तेरी ठीक है, मगर खैर अब शुक्र है सब सॉर्टेड है। और ये अपने जो ना गुस्से पे थोड़ा सा काबू रख, हर जगह लड़ना ना शुरू हो जाया कर। सही कह रहा है यार तू, वो यार जैजी को बता देता हूँ, वो बेचारा वहाँ परेशान हो रहा होगा। अरे नंबर बंद आ रहा है इसका तो। अबे वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चलता है, वो शायद कहीं घूमने गया हुआ हो। वॉइस नोट छोड़ देता हूँ। हाँ हाँ जैजी, वो फातिमा के अब्बा मान गए थे, सब सॉर्टेड है, अब अगले हफ्ते निकाह की डेट पक्की हो गई है, तो उससे पहले तुम लोगों ने वापस आ जाना है, वरना बात नहीं करूँगा तुम लोगों से। ठीक है ना? तो चेक कर, ऑर्डर नहीं आया अभी तक। आज बहुत एंजॉय किया, और जो थकन हुई है, क्या नींद आई रात में। अरे समी का मैसेज है। हाँ जैजी, वो फातिमा के अब्बा मान गए थे, सब सॉर्टेड है, अगले हफ्ते निकाह की डेट पक्की हो गई है, तो उससे पहले तुम लोगों ने वापस आ जाना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है समी की बात पक्की हो गई। हाँ यार बेचारा कितना पसंद करता है उसको, बस अल्लाह करे जल्दी निकाह हो जाए दोनों का। हाँ हाँ हो जाएगी शादी। अरे जैजी क्या हुआ? किसा के डायपर्स? मैंने 10 दफा पूछा था जब हम मार्ट में देखे चाहिए या नहीं, तुमने बोला नहीं सब कुछ है। अरे मुझे लगा 2-3 होंगे लेकिन खाली है बैग। यार इतना थका हुआ था मेरे दा। चलो मैं ले आता हूँ, और कुछ तो नहीं चाहिए अभी बता दो। नहीं फिलहाल यही ले आओ बस। पक्का? हाँ हाँ ले आओ जल्दी से। जा रहा हूँ। समी, अबे उठ, अबे कब से गेट बजा रहा हूँ, एक तो तू सोता पड़ा रहता है, वो तो शुक्र है तेरे अम्मा अब्बा थे, उन्होंने गेट खोल दिया तभी मैं आया हूँ। अबे तू इतनी सुबह मेरे घर में घुसा क्यों है? अबे एक भंड हो गया। क्या हो गया? जैजी गायब हो गया। हाँ मुझे पता है। हा? तुझे पता है? हाँ हाँ परसों ही तो दुबई गया है, 2 दिन से गायब है। अबे वो तो मुझे भी पता, वो दुबई गया हुआ है। जैजी दुबई के अंदर गायब हो गया है। यार मुबीन तूने कोई बूस्टर शॉट लगवाया कल रात को? लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, बुखार होता है, सर में दर्द होता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। समी कभी तो 10 साल के बच्चे की जगह 30 साल के मर्द की तरह सोचेगा? मुझे सुबह ही सुबह रिदा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि रात को वो ईसा के डायपर लेने निकला था जैजी और वापस नहीं आया। अबे मगर जैजी कैसे गायब हो सकता है, वो तो खुद किसी को गायब कर ले। अबे भाई ये मुझे नहीं पता, काफी घबराई हुई थी रिदा और रो रही थी। तो अब यार अब वो अकेली है ईसा के साथ, मेरे ख्याल से हमें दुबई जाना चाहिए। अबे पागल हो गया क्या? मेरा निकाह अगले हफ्ते, तुझे पता है इस रिश्ते के लिए कितने पापड़ बेले, इतने पापड़ मैंने जिंदगी में खाए नहीं कभी। अबे एक बात बता, अगर इस सिचुएशन में जैजी की जगह तू होता तो मैं और जैजी तेरी हेल्प नहीं करते क्या? यार तेरी बात ठीक है मगर मेरी सिचुएशन भी समझना। देख यार इस वक्त रिदा और ईसा को हमारी जरूरत है,
हमें जाना होगा और उसे ढूंढ कर लाना होगा। मैं जा रहा हूँ दुबई उसको ढूंढने के लिए, तुझे आना है तो आ वरना यही भाड़ में जा। और याद रख, ना मुझसे मिलने की कोशिश करना, ना जैसी से मिलने की कोशिश करना, और वो जो कार पड़ी भी ना ये भी मुझे वापस करना, समझा? मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए, कॉन्टेक्ट नहीं करना मुझसे। अरे मुबीन सुन, मुझे पता था तू आएगा। ये जो इमोशनल ब्लैकमेल वाला जो फॉर्मूला है ना, हमेशा काम करता है। चल टिकट करवाते हैं। अबे रुक जा, चेंज कर लूं मैं। हाँ ना। शुक्र है तुम दोनों आ गए। हाल है तो इतनी परेशान हूँ, जैसे को मैंने कल रात डायपर लेने भेजा था, इतने घंटे हो गए अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है उसका। अगर किसी ने किडनैप किया तो कोई कॉल तो करे ना। अच्छा ये बताओ, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, मैंने सबसे पहले आपको बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस को इन्फॉर्म करके पता नहीं कोई मजीद मसले में ना पड़ जाए। हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अच्छा रिदा, तुम परेशान नहीं हो, तुम वहीं से यहीं रुको, मैं और मुबीन जाके देखते हैं। वैसे समी, अगर तुम दोनों मजाक कर रहे हो तो प्लीज अभी बता दो। अरे हम लोग क्यों मजाक करेंगे, तुम्हारी एक कॉल पे हम वहां से यहां उड़ के आ गए। क्यों, लास्ट टाइम वाला भूल गए? जल्दी चलो, इतनी देर क्या लगा रहे हो यार, देर कर दी तुमने बहुत। आ रहा हूं यार, इतनी भी जल्दी नहीं है। रिदा कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरा निकाह है और कितनी मुश्किल से मेरी बात रुकी हुई है, इस टाइम मैं मजाक थोड़ी करूंगा। अच्छा सभी एक काम करते हैं, हम लोग सामान अपना यहाँ रखते हैं। अच्छा रिदा, तुम्हें अगर जैजी की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले ना तो हमें व्हाट्सएप कर देना, सही है? तब तक हम देख कर आते हैं बाहर सिचुएशन क्या है। चले। हाँ। अबे क्या हर सीरीज में किसी ना किसी को ढूंढते ही रहेंगे हम लोग। तूने व्हाइट शर्ट जो पहनी है, ऐसा लग रहा है हम दोनों ने बनियाने पहनी है। चल वैसे एक बात बताऊं, टर्की में किसी को भी ढूंढना बड़ा आसान है। वो क्यों? अबे यहाँ की गर्मी देख, वाइट इस मौसम तो अच्छा था। हाँ वैसे बात तू ठीक कह रहे हैं, और तुझे वैसे भी धूप में वही करनी चाहिए, पता है? अबे क्या बोल रहा है? अबे रुक, कहना क्या जा रहा तू? यार पता है मैं क्या सोच रहा था? देख दुबई भी हो गया दो बार, टर्की भी हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगली मरतबा कोई गुम होए तो वो यूएस में हो जाए। अबे हाँ, अबे 5 साल का वीजा भी लग जाएगा इस बहाने। जो बात है। और मुझे वैसे भी टाइम्स स्क्वायर पर ढूंढने का बड़ा शौक है। तो मतलब कोई गुम होए तो वो न्यूयॉर्क में हो, हमें बता के होए कि ताकि हम टाइम्स स्क्वायर जा सकें। मतलब कुछ हो तो सकता है ना। चल जैजी को प्लान बताएंगे। हाँ अबे उसको ढूंढ तो लें पहले, चल। यार इस तरह तो जैजी नहीं मिलेगा, साले हर गली हर कूचे छान मारा। यार जैजी को कहीं किसी ने मारवार तो नहीं दिया? अबे तो पागल है क्या, ये दुबई है, सिक्योरिटी देखिए यहाँ की। यार मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, एक तो रिधा की भी अभी तक कोई कॉल नहीं आई। कह तो तू ठीक रहा है, मगर
हेलो, हाँ फातिमा। सम्मी तुम कहाँ गायब हो? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। हमारा दो दिन बाद निकाह है, तुम्हें कुछ पता भी है? हाँ यार फातिमा, वो सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं असल में मुबीन के साथ दुबई आया हूँ। क्या तुम क्या मजाक कर रहे हो समी, फौरन मुझसे आके मिलो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, जैजी पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, रिदा ने हमें रो रो के कॉल करके बुलाया, तो मैं और मुबीन फौरन से यहाँ आ गए और मुझे टाइम नहीं मिला कि तुम्हें बता सकूँ, और हालात ही ऐसे थे कि मैं कब तुम्हें बताता, और रिदा वाकई बहुत परेशान थी। समी मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बोलूं। हाँ फातिमा आई नो, बट क्या करता है इस सिचुएशन में, रिदा और ईसा को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था। हमारा दो दिन बाद निकाह है यार। हाँ मैं हेलो समी, क्या अजीब बंदा है यार, कॉल कट कर दी। अरे मैं 30,000 दिरहम दे दूंगा, आई प्रॉमिस, मैं दे दूंगा वापस। 30,000 दिरहम? कौन से पैसे? अबे हम तुझसे पैसे थोड़ी मांग रहे। जस्ट गिव मी वन मोर वीक ना प्लीज, वन मोर वीक। अबे मुझे लग रहा है इसको दुबई की गर्मी चढ़ गई, पागल हो गया ये। अबे हम तुझे तेरे बीवी बच्चे के पास लेके जा रहे हैं, पागल तो नहीं हो गया है? मेरी बीवी बच्चे भी आ चुके हैं। नहीं नहीं उनको हर्ट नहीं करना, वो लोग बेकसूर हैं। नहीं नहीं तू पागल तो नहीं हो गया जैजी? जैजी जैजी कौन है? आई एम गोपाल फ्रॉम मुंबई। यार मुझे लग रहा है हम इसको अपने तरीके से लेके आते। नहीं नहीं मुझे जाने दो। अरे अरे प्लीज लेट मी गो प्लीज, नहीं जानता। जैजी होश में आओ, जब से दुबई आयो तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। ये जैजी जैजी कौन है? मैं तो गोपाल हूँ फ्रॉम मुंबई। मुबीन भाई ये तो जैजी नहीं है, कौन है ये? अरे मैं तो कब से इनको बोल रहा हूँ कि मैं जैजी नहीं हूँ, मेरा नाम गोपाल है फ्रॉम मुंबई। अभी ये दोनों मियां बीवी हो गए पागल, एक काम करते ईसा को उठाते और चलते, खुद ब खुद पीछे आएंगे ये लोग। अरे मैं सच कह रही हूँ ये जैजी नहीं है, मुझे अपने शोहर का पता है भाई। अगर ये जैजी नहीं है तो जैजी क्या है? अभी तो पक्का जैजी नहीं है। अरे नहीं नहीं मैं जैजी नहीं हूँ, मैं गोपाल हूँ, मुंबई से हूँ मैं। तो फिर तू हमसे भाग क्यों रहा था? असल में मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैंने अपने बैचलर्स किए फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। मैं दुबई आया था एक साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने, कुछ लोगों से पैसे लिए थे और अनफॉर्चुनेटली मेरा बिजनेस नहीं चला, और जिन लोगों से पैसे लिए थे वो लोग मेरे पीछे पड़े। मैं समझ गया। क्या? असल में इसकी शक्ल हमारे जैजी से मिलती है, तो जिस किसी ने भी जैजी को उठाया वो असल में गोपाल समझ के जैजी को उठा लिया। अरे तो इसको बोले ना कि अपने आप को उनके हवाले करे ताकि वो मेरा जैजी तो वापस दे। देख भाई भोपाल, गोपाल फ्रॉम मुंबई माइंड यू, गोपाल तूने जिसके पैसे लिए ना उन्होंने हमारे जैजी को उठा लिया, अब तुझे उनके पास जाना होगा ताकि वो हमारा जैजी छोड़े। अगर तू खुद से नहीं गया तो हम तुझे पुलिस के पास ले जाएंगे, बता रहे। देखे मेरी शक्ल तो आपकी जैजी से मिलती होगी मगर अकल नहीं, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि उन्होंने मुझे बचा लिया। अब बस कल मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ, आप जाने, आपको जैसी जाने और ये कोडू। ए भोपाल तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी वजह से उन्होंने जैसी को किडनैप किया है, अरे तुम अपने आप को सीधा सीधा हवाले करो नहीं तो मैं पुलिस को बता रही हूँ। अरे इधर 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 इधर। गुस्सा करने से और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें अकल से काम लेना होगा। अबे मैं तो कहता हूँ अकल छोड़ो, इसको पुलिस के हवाले करो। अरे लेकिन पुलिस को ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये और जैसी दिखते सेम है मगर दो अलग अलग लोग हैं? हाँ ये भी एक मसला है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको
से इसका आईडी मांगता हूँ। तुम्हारे पास जैजी का आईडी और पासपोर्ट है? हाँ रखा है। बस वो हमारा प्रूफ होगा पुलिस के सामने कि ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है चलते। अबे ये इतनी ऊपर से कूदा कैसे? स्पाइडरमैन है क्या? अबे स्पाइडरमैन नहीं है, गोपाल है फ्रॉम मुंबई, माइंड इट। अबे चल ले। अरे समी सुनो, वो ईसा के डायपर ले आओ। असल में रात में जैजी को भेजा था, वो तो वापस आया नहीं, तो ईसा कब से उसी डायपर में है। हाँ ले आता हूँ। पैसे निकाल। कौन से पैसे? मेरे पास आप लोगों के कौन से पैसे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, कौन से पैसे निकालूं? बहनों ही हैं आपके, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो निकाल के आपके हाथ में पकड़ा देगा। तो फिर कैसे मांगू? तलाशी लो उसकी, देखो उसके वॉलेट में क्या है। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे आप लोगों के। आप लोग है कौन? गलत बंदे को ले आया शायद। ये क्या? ये खिलौने हैं। मेरा एक बेटा है और एक बीवी है। तुम्हारा एक बेटा नहीं, तुम्हारे चार बेटे और दो बीवी हैं। और अगर तूने हमारे पैसे ना निकाले तो हम सबको उठा लेंगे और एक एक पाई वसूल करेंगे। नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी दो बीवियां नहीं है, दो बीवियां होती मगर एक ही बीवी है मेरी। और मेरे पास आप लोगों के पैसे नहीं है, गलत फहमी हो चुकी है। ये तेरा फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं, बचपन में मेरा बहुत खेला ऐसे खिलौनों से। अबे ढक्कन, किडनैपिंग का फर्स्ट टाइम है? हाँ हाँ, किडनैपिंग का तो फर्स्ट टाइम है सर। तो इन खिलौनों को छोड़ और इस खिलौने से खेल। यार एक तो इतनी मुश्किल से पकड़ा था इसको, अब कहाँ से ढूंढे? यार फिक्र ना कर, देख पहले भी तो हमने ही ढूंढा था, अभी ढूंढते तो मिल जाएगा। अबे पहले ढूंढा था, पूरा दिन लगा था, इतनी थकन और यहाँ का मौसम देख तू। अरे कोई बात नहीं, देख पूरा दिन लगा था ढूंढ लिया था ना, अभी पूरी रात लगेगी, ढूंढ जरूर लेंगे, टेंशन नहीं लेते। अबे मुझे तो समझ नहीं आ रही यार, हम इसी कामों के लिए रहेगा क्या? खैर है खैर है, आई थिंक उधर होगा, चल उधर देखते हैं। अब तो पैसे निकाल रहे या मैं तेरे कुर्ते और फेफड़े निकालू? भाई आप बेशक मेरे गुर्दे और फेफड़े निकाल दे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है जो आपको चाहिए। तूने मेरे से 30,000 दिरहम लिए थे, तूने मेरे से अपने बिजनेस के लिए। 30,000 दिरहम? मैंने कौन से 30,000 दिरहम लिए थे अपने बिजनेस के लिए? मैं तो पाकिस्तान से हूँ, अपने फैमिली के साथ वेकेशन मनाने आया हूँ, कोई गलत फहमी हुई होगी। तो तू कह रहा है कि तू गोपाल नहीं है? मैं कब से ये बोल रहा हूँ कि मैं गोपाल नहीं हूँ, जैजी हूँ। तू जैजी नहीं, तू गोपाल है। जैजी हूँ। गोपाल है। जैजी हूँ। गोपाल। जैजी। गोपाल। जैजी। जैजी। गोपाल। देखा देखा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ गोपाल, मैं कह रहा हूँ। कैसा दिया, कैसा दिया? मुझे पता था, अपनी आईडी निकाल, अभी तेरा झूठ पकड़ा जाएगा। अपनी आईडी निकाल। आईडी आईडी है मेरे पास, मगर वो मेरे होटल रूम में। मुझे पता था ये झूठ है, तूने छुपाई हुई अपनी आईडी, तू गोपाल ही है। एक काम कर, तू इसे संभाल, मैं अभी आता हूँ। कहा? वॉशरूम से। इस टाइम पे वॉशरूम? मुझे ऐसे ही टाइम पे आता है। तू एक काम कर, इधर बैठ और इस पर नजर रख, मैं अभी आता हूँ। पेट बोल रहा है मेरा, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? नहीं। मुंह सूख गया है, पानी मिलेगा? नहीं। अच्छा कम से कम सिगरेट तो पिला दो। यहाँ पर धुआं नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत डांटेंगे। सिगरेट भी नहीं है तो बाहर जाके पियो। बाहर? हाँ बाहर बाहर बाहर। सही कह रहा हूँ। और लाइटर दे देना मुझे वापसी में।
खेल लो सर। कमाल किधर है? वो बाहर सिगरेट पीने गया। और तूने जाने दिया उसको? हाँ, वो मेरा सर लाइटर ले गया। तेरे लक्ष्मण मंडन जी में कुछ मर जा दूं क्या उसको? एक छोटा सा काम तुझे दिया था, वो भी नहीं होता तेरे से। उस्ताद भंड हो गया है तो अब जो 30,000 है तू पूरा करेगा। क्यों नहीं लग रही यार, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। रिदा गोपाल तुम रिदा इतना घूर क्यों रही हो मुझे? अरे जैसी शुक्र है तुम आ गए, मगर तुम आए कैसे? रिदा मैं किडनैप हो चुका था। मुझे पता है। हैं? तुम्हें पता है? और वो मुझे 30,000 दिरहम मांग रहे थे। रिदा अल्लाह की कसम मैंने किसी से उधार नहीं लिया, कसम से रिदा, बिलीव मी। मुझे ये भी पता है। हैं? तुम्हें पता है कैसे? अरे गोपाल ने बताया। गोपाल 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 है कौन? जा भी जाओ गोपाल गोपाल गोपाल। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे अबे जैसी तू तू कब आया? हैं? मुबीन समी तुम लोग और जैसी जैसी तुम्हें कौन है ये? अबे ये गोपाल है, गोपाल तेरा डुप्लीकेट। अबे ये तो बिल्कुल मुझसे मिल रहा है। यार जैसी एक बात बता, तेरे अब्बा कभी मुंबई तो नहीं गए? अबे मुबीन बकवास बंद कर। यार तुम दोनों ये फजूल बातें छोड़ो, इसको मैं पुलिस के हवाले करताऊंगा। पुलिस पुलिस क्यों? अब तो आपका जैसी मिल गया ना। योर हैप्पी आई एम हैप्पी योर हैप्पी फैमिली अब तो लेट मी गो प्लीज। हां हैप्पी फैमिली तेरी वजह से सारा भंड हुआ है, तेरी वजह से मैं तो ख्वार हूं, तुझे तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं देखो इंडिया पाकिस्तान भाईचारा भाईचारा। अबे इस भाईचारे के चक्कर में आज तक दोनों कंट्री की दोस्ती नहीं हुई, तुझे तो पुलिस के पास मैं लेके जाऊंगा। लेके जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस नीचे ही खड़ी है। चल। अरे माफ कर दो भाई। अरे 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 मुझे क्यों लेके जा रहे हो? क्या था ये? यार रिदा हमारा पूरा ट्रिप बर्बाद हो चुका है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं तुमसे उस दिन ना लड़ती तो ना ही हम दुबई आते और ना ही तुम किडनैप होते। नहीं नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, अब जो होना तो हो गया, भूल जाओ मैं वापस आ गया हूँ, सब चीज सेट है, अब बाकी ट्रिप एंजॉय करते हैं। अब रिदा कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, उन लोगों ने मुझे भूखा रखा था, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने चले। चलो यार। जैजी अभी तू फौरन जा और अपना ये लुक चेंज करवा ले भाई। क्यों भाई? अबे तेरे इस लुक की वजह से कितने जोखिम उठाने पड़े हमें। अबे तो मुझे कैसे पता था मेरा जैसे बंदा दुबई में घूम रहा है, मैं क्यों लुक चेंज कराऊं? उसको जाके बोलो अपना लुक चेंज करवाए। अच्छा ताकि अभी वो कोई क्राइम करे और तू पकड़ा जाए और तेरे को छुड़वाने के लिए हम निकलेंगे, ये सीरीज कहीं खत्म ही नहीं होगी। अभी तो मैं अकेले थोड़ी घूमूंगा, तुम लोग होगा ना मेरे साथ। अभी एक तो तुम दोनों लड़ना बंद करो, जल्दी जल्दी खाओ, मैं एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? इसको तो होगी ना जल्दी, निकाल जो है इसका। अरे हाँ हाँ इतनी मुश्किल से बात बनी है और तुम लोगों के चक्कर में फ्लाइट नहीं मिस करना चाहता, फिर कोई भंड नहीं कर देना, कुछ अगली सीरीज के लिए भी छोड़ दो। हाँ हाँ खा रहे हैं यार खा रहे हैं। तू जाके पहले अपना लुक तो चेंज कर यार। मैं क्यों करवाऊँ? तुम अपना लुक चेंज करवा जाके। फिर से शुरू हो गए। अबे मैं क्यों करवाऊँ, मेरा थोड़ी डुप्लीकेट है तेरा डुप्लीकेट है। हेलो सर आई एम रौसिदुल्ला, नया नया अभी ज्वाइन किया इसको। क्या हुआ आपको हमारा फूड कैसा लगा?